संत जेबीएस कॉलेज महुआ टाण में संचालित कोचिंग संस्थान के प्रथम सत्र के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। लातेहार जिला के महुआ टाण संत जेबीएस कॉलेज महुआ टाण में इंटीग्रेटेड कोचिंग सेंटर के बीच 2021-22 के समापन समारोह के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महुआ टाण के अनुमंडल पदाधिकारी नील निखित सुरीन उपस्थित थे। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित संयमित और उत्साह से पूर्ण सतत प्रयास बहुत जरूरी है। एसडीओ महोदय ने छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। समाज में सकारात्मक बदलाव के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए संत जेवियर्स महाविद्यालय के प्राचार्य फादर डॉक्टर एम के जोस के द्वारा कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर एम ए हक को मोमेंटो प्रदान किया गया। कोचिंग संस्थान के सफल संचालन के लिए हर तरह से सहयोग करने के लिए संस्थान के डायरेक्टर ने प्राचार्य महोदय को उपहार स्वरूप 60,000 रुपए का चेक और एक एक्वागार्ड प्रदान किया। इस अवसर पर छात्रों को संबोधित करते हुए संस्थान के डायरेक्टर एम ए हक ने कहा कि सही प्रबंधन और रणनीति के द्वारा ही प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने संस्थान के अभी तक के सफर और आगे के लक्ष्य पर भी प्रकाश डाला। संत जेवियर्स कॉलेज महुआ टाण के प्राचार्य फादर डॉक्टर एम के जोस ने कहा कि छात्रों को भाग्य पर नहीं बल्कि मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने छात्रों में बेसिक जानकारी और संचार तंत्र के संयमित एवं सटीक उपयोग पर जोर दिया। प्राचार्य महोदय ने कोचिंग संस्थान और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त किया कि आगे भी उनका सहयोग मिलता रहेगा। इस दौरान छात्र छात्राओं को मेडल भी प्रदान किया गया और हौसला अफजाई की गई। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर के नियाजी के द्वारा किया गया। उन्होंने मुख्य वक्ता एसडीओ नील निखित सुरीन, प्राचार्य फादर डॉक्टर एम के जो, संस्थान के डायरेक्टर एम ए हक, सभी सहयोगी शिक्षकों और विद्यार्थियों को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपाचार्य सिस्टर कैसलिन तनवीन खान, मुकुंद वर्मन, एम अताउल्लाह, एम जफर और कृति मिंज आदि उपस्थित थे।